वाह दोस्तों, क्या कुछ नहीं हो चुका है क्रिकेट की दुनिया के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूं। एक तो इंडिया का जो है टेस्ट मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, दूसरी तरफ आईपीएल का इतना बड़ा ऑक्शन हो गया है जिसके अंदर पैसे की रेल फेल हुई है, तीसरी तरफ हमारे जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मिस्टर रमीज राजू रैम्बो जो हैं उनको निकाल दिया गया, उनकी जगह नजम शेट्टी आ चुके हैं, चीफ सेलेक्टर जो है वह अफरीदी बन चुका है। उफ, कहाँ से शुरू करें, मेरे ख्याल में यहीं से शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मेरा दोस्त रमीज राजू जो है उसको निकाल दिया तुम लोगों ने चीफ सेलेक्टर की पोस्ट से। अब बहुत से लोग जो है पॉलिटिकल वॉर्स शुरू कर दिए क्योंकि एक साहब जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े वोकल सपोर्टर हैं, दूसरे साहब जो है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के बहुत ज्यादा वोकल सपोर्टर हैं, तो अजीब अजीब किस्म की बातें आने शुरू हो गई। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि बुरा। और वैसे जो रमीज बेचारे की फेवर में भी थे वो भी इस वक्त चुप ही बैठे हुए हैं, वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब नजम शेट्टी जो है वो फेल होंगे ताकि ये लोग खुल के बोलना शुरू कर दें। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होता है कि किसी जर्नलिस्ट को पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए, तो यार ये तो तब बोलना चाहिए था ना जब पहली दफा उनको बनाया गया था। उन्होंने मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा कामयाब जो किसी एक बंदे ने सबसे मुश्किल वक्त में आके पीसीबी बोर्ड को संभाला है तो वो नजम शेट्टी थे। तो मेरा ख्याल में तो ये बड़ा अच्छा किस्म के डिसीजन है और आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि क्या जबरदस्त किस्म की चेंजेस आएंगी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे दोस्त शाहिद अफरीदी को चीफ सेलेक्टर बना दिया। तो इसमें सबसे ज्यादा खुश होगा मेरा दोस्त शाहीन शाह अफरीदी जिसकी टीम में इस वक्त जगह हो चुकी है पक्की। ये और बात है कि वो एक वाहिद प्लेयर है जिसकी शायद टीम के अंदर जगह पक्की थी। खैर मेरा ख्याल में और कोई खुश होगा तो वो है मेरा दोस्त शीजू जो कि इसका सोलमेट रहा है पूरी उम्र। ओ माय गॉड, शीजू को एक मौका तो मिलना ही चाहिए टीम के अंदर आने का। भर दो सारे ओपनर्स, भर दो मैं कहता हूं ऊपर से लेके नीचे तक ना, बॉलर्स की जगह भी ओपनर्स को ही डाल दो, सारे ओपनर्स खेल रहे हो हमारी टीम के अंदर। खैर मेरा दोस्त रैम्बो जो है वो अभी वापस कमेंट्री के अंदर आ जाएंगे, मैं उसके ऊपर बहुत खुश हूं क्योंकि हमारी जो कमेंट्री पैनल है वो बहुत ही वीक हो चुका था, तो बेहतर है कि कोई अच्छे किस्म की कमेंट्री भी सुनने को मिलेगी जो कि रमीज भाई किया करते थे। दूसरा मेरे दोस्त यूट्यूबर भी थे तो मेरा कॉम्पिटिशन भी वापस आ चुका है, अब मजा आएगा ना जो है ना हम दोनों एक ही इवन ग्राउंड के ऊपर बैठ के लड़ा करेंगे। ये मेरे दोस्त पीसीबी के चेयरमैन बन गए, मजा आ रहा है। उन्होंने मुझे एक दफा भी पूछा कि दोस्त तुम बड़े जबरदस्त एनालिसिस करते हो, एक दफा इसने मुझे टूटे मुंह नहीं पूछा है। अब वापस आ जाओ, हम दोनों जो ना एक ही बहुत स्कोप है दोस्त, यूट्यूबिंग में बहुत स्कोप है, वापस आ जाओ। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं यार, मैं आपको विद आर्म्स वाइड ओपन जो है ना वो वेलकम कर रहा हूं वापस यूट्यूब के ऊपर। कर रैम्बो भाई भी निकले नहीं थे कि टीसी के रिकॉर्ड जो है वो टूटना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले मेरे मोहम्मद आमिर जो है उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने कहा कि यार अब ये जो ना सही बंदा आ चुका है, इस बंदे ने भी तुझे नहीं रखना मेरे दोस्त। और अभी भी अगर ये ना हुआ ना सिलेक्ट तो पता नहीं है किधर जाके सर मारेगा। इस बंदे ने सिवाय अपनी खुद की परफॉर्मेंस के ना सब लोगों को ब्लेम कर दिए कि वो चीफ सेलेक्टर अच्छा नहीं है, वो कोच अच्छा नहीं है, वो टीम अच्छी नहीं है, ग्राउंड अच्छा नहीं है, ऑडियंस अच्छी नहीं है। यार कल को तूने मेरे पे भी कोई इल्जाम लगा देने कि ये बंदा ठीक नहीं है इसलिए मुझे टीम में जगह नहीं मिल रही है, भाई अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कभी गौर कर लो। दूसरी तरफ मेरा दोस्त अक्कू जो है ना उसने भी बिल्कुल कोई मौका नहीं छोड़ा, वो भी शुरू हो गया नजम शेट्टी साहब के बारे में कि यार अब मेरी जो है बारी बन जाएगी। यार मेरे दोस्त अक्कू को वैसे चांस मिल जाना चाहिए लेकिन फिर भी यार ये बड़ा तुमने जो है ना एक ही बॉस है दोस्त, अगर सबके बॉस से मांगा करोगे ना तो सब कुछ मिल जाएगा। ये जो लोगों से मांगना शुरू हो रहे थे ना इस पे कुछ भी नहीं रहता इंसान के पास। खैर दोस्तों ये सब कुछ तो चलता ही रहेगा पाकिस्तान के अंदर, जो है उधर आईपीएल हो चुका है और ये भी मेरे ख्याल में उसका कोई मिनी किस्म का ऑक्शन हुआ है जिसके अंदर इतने पैसे लग रहे हैं। अभी पता नहीं मेगा के अंदर कितने करोड़ है, वो कहते थे ना कि पैसे जो है वो क्या दरख्तों के ऊपर उगते हैं, तो लगता है कि वहां पर बाकी दरख्तों के ऊपर ही उग रहे हैं क्योंकि हमारे ये जो प्लेयर्स हैं ये आए हैं। रिमेंबर ये जो हमारे इधर हमने इस बंदे को ब्रुकी जो है इसको कोई पता नहीं 40-1 लाख 20-1 लाख रुपए में खरीदा था और वो वहां पर कोई 13 करोड़ में बिक गया। यार इस ब्रुक को सारे काम छोड़ के ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आ जाना चाहिए और हमें शुक्रिया करना चाहिए, जो हमें इसने पेला है ना उसी की वजह से इसका रेट जो है वो इतना बढ़ गया है। मार मार के इसने अपना ब्रांड जो इतना बना दिया है। मैं कहता हूं कि हमारी जो टीम है ना उसको अब ये बना देना चाहिए अपने आप को कि हम लोग यार आईपीएल इंडक्शन यूनिवर्सिटी जो है ना उसके लिए आप लोगों को ट्रेनिंग कराएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आईपीएल के अंदर आप लोगों के बेहतर रेट्स लगें तो आप लोग से राबता करें, हमें ऐसा पेलें कि दुनिया में जो आपका रेट ही रेट लगना शुरू हो जाए। जिस बंदे की भी जहां पर फॉर्म नहीं हो रही होती उसको पाकिस्तानियों के साथ मैच खेल लेना चाहिए और उसके रेट फिर इसी तरह बढ़ जाते हैं। उधर कोहली जो है मेरे ख्याल में अब टेस्ट के अंदर भी काफी स्ट्रगल कर रहा है, इससे पहले वाइट बॉल के अंदर उन्होंने जो स्ट्रगल किया था तो हमने उनको फॉर्म वापस प्लेट में ला के दे दी थी, अब वो टेस्ट के अंदर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दोनों इनिंग्स के अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो मेरा ख्याल में इंडिया को फौरन ही पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच रख देना चाहिए और फिर देखेंगे कोहली कहां से कहां पहुंचाते हैं हम कोहली को। ब्रेकिंग न्यूज ये कि सैम करन जो है वो कोई 18-18.5 करोड़ रुपए में बिक चुका है। यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ना ये बिल्कुल भी नहीं चलने लगा आईपीएल के अंदर। ये जो था ना इतने पैसे जब लग जाते हैं तो सबसे पहले रिश्तेदारों की नजरें लग जाती है कि भाई ये तो बहुत पैसे कमाना शुरू हो गया। उधर बेन स्टोक्स जो है वो भी कोई 16 करोड़ रुपए के अंदर बिक चुका है। यार मतलब ये हो क्या रहा है, सारे के सारे पैसे तो इंग्लैंड लेके चला गया। ये देखो ये पहले भी आए थे इंडिया के अंदर बिजनेस का बहाना बना के आए थे और पूरा का पूरा इंडिया लूट के चले गए थे। देखो भाई उस वक्त तो फिर भी ना पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश जो है हम लोग मिले हुए थे तो हमने मिल मिलकर कुछ चांटे
काटे मार मूर के कुछ कोलैबोरेटिव किस्म की एफर्ट करके इनको भगा दिया था। अभी ये आ गए ना, दोबारा घुस गए आईपीएल के अंदर, इतने पैसे भी लेके जा रहे हैं, बस तुम लोग भी फिर डील करना है। खैर मैं आईपीएल ज्यादा देखता तो नहीं हूं, लेकिन इस दफा शायद देखूंगा भी। और मैं हमेशा ये देखा करता था कि यार मैं कौन सी टीम को सपोर्ट करूं, तो ये जो ऑक्शन है ना उसको देखने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूंगा और किस वजह से करूंगा। मूविंग ऑन, वो मेरे दोस्त भूमे को किसी ने पिक नहीं किया, फिर नहीं किया। यार मुझे पहले तो ये बताओ ना कि वो कोई मेरी एक वीडियो थी जिसके अंदर मेरे ख्याल में मैंने इसको कह दिया था कि भाई मैं तुझसे हो गया हूँ नाराज और अब तू देखेगा कि तेरे साथ क्या कुछ होता है। देखो भाई मैं तो मैं उसी वक्त वॉर्न किया था भूमे कि मेरे से तुम पंगा मत लो, मैं नाराज हो गया तो तेरे साथ बड़ा बुरा होगा यार। चलो खैर कोई नहीं, मैं तुझे माफ करता हूँ। अब इसके ऊपर जो ये थोड़ा बुरा वक्त जो है वो खत्म होना चाहिए। बेचारे को किसी भी लीग ने इस साल उठाया ही नहीं है, साउथ अफ्रीका का कैप्टन है यार। ये सुपर जायंट्स जो है इसके अंदर कितने कीपर इन्होंने लेने, इनके अंदर पहले से केएल राहुल भी है, डी कॉक भी है, और उसके अंदर अभी इन्होंने इतना महंगा जो है वो पूरन भी ले लिया कोई 15 करोड़ रुपए में। खैर दुख तो मुझे वो केन विलियम्स बेचारे का हो रहा है जो कि 2 करोड़ में बिका है। मेरे ख्याल में किसी जमाने में ये भी 14-15 करोड़ रुपए में बिका करता था। इस तरह यार जिंदगी जो है ना बदल जाती है। सिकंदर रजा भी जो है वो मेरे ख्याल में 50-1 लाख रुपए में बेचारा सिर्फ जो है बिक गया यार। वो इतनी चूसी हुई टीम के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस दे के, इतना बेहतरीन किस्म के मैच विनर आदमी है वो, बैटिंग भी कर लेता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, ऊपर से आके बेहतरीन किस्म की बॉलिंग भी करा लेता है, तो उसकी तो मेरे ख्याल में रेट जो है वो काफी कम लगा है। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच भी हो रहा है जो कि बड़ा ही जबरदस्त हो गया। अभी आखिरी दिन जो है बहुत ही बेहतरीन। अभी इंडिया को कल चाहिए 100 रन और उनके मेरे ख्याल में 4 आउट हो चुके हैं और पिच जो है वो अजीब अजीब किस्म की हरकतें कर रही है और बांग्लादेशी जो है वो पूरी तरह से ऊपर चढ़े हुए हैं। मजे का मैच होगा वैसे, मेरा ख्याल में तो इंडिया जीत जाएगा क्योंकि 100 रन ही रह गए हैं, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, टेस्ट मैच की यही ब्यूटी होती है। मेरा दोस्त कोहली जो है उसकी बहुत ही कोई बुरा किस्म का टेस्ट मैच हुआ है, दोनों इनिंग्स में भी वो फेल हो गया। दूसरा उसने कोई 4 या 5 मेरा ख्याल में कैचेस ड्रॉप किए, मेरे ख्याल में 4 कैचेस ड्रॉप किए। बेचारा जिधर खड़ा हो रहा था बॉल उसी के पास जा रही थी और उसे गिर रही थी। भाई यार क्या फायदा तेरी इतनी फिटनेस का, भाई इनसे सिर्फ डंबल पकड़वा लो यार, इन्होंने कैच तो पकड़ने नहीं। खैर कल पता चलेगा कि क्या होगा इस टेस्ट मैच का भी। और अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक के बटन को छू लें, सब्सक्राइब को भी दबा दें। मैं आपसे मिलूंगा कल या परसों, जब भी होता है, जो भी मैच का रिजल्ट होता है, जब भी कोई किस्म की ताज़ा किस्म की खबरें आती हैं, और भी कुछ खबरें हैं तो उनके बारे में बात होगी। मेरे ख्याल में हमारा भी टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है, तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।